हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिपुरा का डीलेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मतलब त्रिपुरा में जो डीलेट रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो कैसे करते हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सबसे जो मेरे चैनल में अभी नया है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारा ऐसे टेक्निकल वीडियो आप लोगों को दिखाते रहूँगा जो आप लोगों का डे बाई डे हेल्प करेगा। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। एक बात आप लोगों को कहे तो ये जो त्रिपुरा का डीएलएड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा, आपके पास अगर 50% की तक मार्क है, ज़्यादा मार्क है, मतलब यू आर कैंडिडेट में आपको, तो आप ये अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत से लास्ट ईयर में हम लोग जो उनका रिजल्ट देखे थे तो बहुत मतलब ज़्यादा मार्क ले आया था उन लोगों ने, तो आप देख के करिए, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको आपका 200 कैंडिडेट हो जाएगा, मतलब आपको 200 देना पड़ेगा। तो आप धीरे समझिए, और जो अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने HS पास किया उन्होंने भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप अप्लाई करिए, लेकिन आपका मार्क्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिए। तो ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आप गूगल खोल लीजिए। हाँ, उसके बाद सिंपल यहाँ से SCRT लिखिए, उसके बाद SCRT त्रिपुरा लिख के एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो पहले वाला लिंक है उनका वो ओपन करिए, SCRT उसका माध्यम के त्रिपुरा लिखा वो वाला लिंक। देखिए, मैं ये वीडियो तब मैं दिखा रहा हूँ आपको जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग को आ सकते हैं। जब फायरफॉक्स से आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ के यहाँ पर इस तरह ऑप्शन आ जाए, योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। देखिए, आप ये पहले से लास्ट तक मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दे रहूँगा। यहाँ पर आपको एडवांस में आना होगा, इसी एडवांस में क्लिक करिए। आप उसे करने के बाद ये नीचे वाला ऑप्शन जो बुक्स में क्लिक करिए, उसके बाद कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या है ना, आप देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, यहाँ पर देख लीजिए करेंटली एक्टिव सेशन, ये वाला हम फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे आपको। पहले आपको दिखा तो 1 और 2 पॉइंट्स आप बहुत धीरे से देख लीजिए। यहाँ पर कहा कैंडिडेट को कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तब चाहिए जब उनका ऑनलाइन में सिलेक्शन आ जाएगा, तब आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ सर्टिफिकेशन के लिए जाना होगा आपको। 2 नंबर आप देखिए, यहाँ से आपका 10th नंबर, मतलब आप जो पिक्चर और सिग्नेचर आपको चाहिए, पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको जो अपलोड करना है वो देखिए किस तरह सिग्नेचर अपलोड करते हैं। आप एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर कर दिए, उसको स्कैन करिए, करके उनको अपलोड करना होगा, मतलब किसे अपलोड करना है ये आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। वहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का टॉपिक है, परमानेंट रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, मतलब कोई अगर नॉन त्रिपुरा का है, नॉन स्टेट का है त्रिपुरा का, वो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता। ये है गाइडेंस। और आपका कुछ भी क्वेरी है मुझे तो पूछिए, अगर उसके रिलेटेड कुछ भी कह रहे तो उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले क्या होगा, न्यू यूज़र रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। खुलने के बाद आप फिलअप कर लीजिए, मैं भी फिलअप करके आपको दिखाता हूँ। उसको जेंडर यहाँ पर लिखिए, कैटेगरी क्लिक करिए, मैं UR का कैटेगरी मैं ये ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिजिकल हैंडेप नो, डेट ऑफ बर्थ में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद कौन से डेट में आपका 20 20, हाँ, उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर मैंडेटरी है, मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ। फिर से आपके कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वो स्टार मार्क है तो आपको देना ही पड़ेगा। वहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस डालिए, उसको तो आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, मैं धलाई से हूँ। पिन कोड डालिए,
यहाँ पर देखिए आपका परमानेंट और प्रेजेंट अगर सेम टू सेम है तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, आपका नहीं है तो फिर से यहाँ पर चेंजेस करिए। उसके बाद आपका पिताजी नाम डालिए, यहाँ पर आपका लेटर स्टेटस पूछ रहे हैं, PRTC चाहिए आपका है या नहीं, यस दीजिए। आप फोटोग्राफ आप करना है, ब्राउज में क्लिक करिए, आपका जो जहाँ पर पिक्चर है वहाँ से ले लीजिए आप, सिग्नेचर क्लिक करिए। हाँ, उसके बाद आप ये चेकबॉक्स में क्लिक करिए और रजिस्टर में दे दीजिए, लेकिन उसके पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत धीरे से याद रखिए, वो चाहिए थे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद मैं रजिस्टर में दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ये कॉन्फर्मेशन पेज मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखिए, वो जो योर फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन आपको डेट ऑफ बर्थ होगा, कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं कॉपी करता हूँ, लॉगिन में दरो। इसके बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम में वो आप उस आईडी को डालिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, जैसे मैं डाल रहा हूँ 20। उसके बाद आपको ये स्पेस देना होगा, आप देखिए यहाँ पर जो माइनस लिखा है वो माइनस डालिए, उसके बाद क्या है मंथ दीजिए, उसके बाद फिर से माइनस डालिए, उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। हाँ, उसके बाद ओल्ड पासवर्ड पूछ रहे हैं, फिर से सेम टू सेम डालिए, हाँ न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, उसके बाद सेव कर दीजिए। आपको क्या लिखा है, चेंज योर पासवर्ड, उसके बाद क्या पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली कंप्लीट, आप लॉग आउट कर दीजिए यहां से क्लिक कर। आप फिर से लॉग इन करिए, ये पेज खोलने के बाद आप फिर से लॉगिन करिए, जो आप नया पासवर्ड दे उनको लेके लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पर लिख ले करेंटली एक्टिव सेशंस, आप इसमें क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद नीचे चले आइए, अप्लाई में चले आइए, उसके बाद क्या करना है आपका 10th और HS का डिटेल्स डालना है, मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ इसमें, मेरी यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग मैं 2016 दे रहा हूँ, टोटल मार्क्स कितने में था 700 का कितना मिला, आप HS का कह रहे हैं 2018 का कितने में 500 का कितने मिला, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, आपको यहाँ पर कोई भी सेंटर सिलेक्ट करिए, लेकिन हर सेंटर आपको 200 देना पड़ेगा, मैं यहाँ से दो सेंटर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप सभी कर सकते हैं, मतलब 200 200 200 200 इस तरह होगा, मतलब 1000 आपको देना पड़ेगा, मैं इसलिए दो सेंटर सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप तो अप्लाई कर लिए, आप इसको यहाँ पर आपको फाइनलाइज में क्लिक करना, फाइनलाइज में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो फाइनलाइज देगा उसमें क्लिक करना है, यस दीजिए। वंस यू फाइनलाइज यू शैल नो लॉन्गर बी एबल टू एडिट योर एप्लीकेशन, आर यू श्योर, यस। उसके बाद आपका चले आइए पेमेंट ऑप्शन, यहां पर आप क्लिक करिए पेमेंट पे, उसके बाद आप देखिए एक सेंटर आपको मैंने कहा था 200, मैं दो सेंटर सेलेक्ट किया, मेरे कितने पैसे है देखिए 400, तो आपको क्या करना है पे में क्लिक करना है,
उसके बाद आप जैसे पेमेंट करते उसी यूज़ करिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड का डिटेल्स है तो डेबिट कार्ड यूज़ करिए, अगर आपके पास नेट बैंकिंग का डिटेल्स है तो नेट बैंकिंग यूज़ करिए, आपका मर्जी। मैं जैसे SBI का फिलअप करता हूँ, करके मेक पेमेंट में चले जाता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन देना होगा, उसके बाद क्या होगा आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा, अगर आपकी बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। उस OTP के बाद आपका जो 400 पेमेंट है आपको बैंक से डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा फिर से आपको SCRT का लॉगिन पेज में आना होगा। ये पेमेंट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन लिखा होगा नीचे, वहाँ से आप प्रिंट करिए। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन लिखा होगा, आप प्रिंट करिए उसको और फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखिए, क्योंकि आपको जब ये मतलब सिलेक्शन हो जाएगा ऑनलाइन में, ये SCRT वेबसाइट में फिर से भी आपको रिजल्ट शो करेगा। जब रिजल्ट शो होगा मैं आपको यहाँ से वीडियो निकाल के दे दूँगा, आप लोग देख भी सकते हैं। उस तब आपको अगर सिलेक्शन हो गया दो सेंटर में तो दो का कोई एक सेंटर में, तो आपको क्या हो वो हार्ड कॉपी लेके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो आज का वीडियो में मैंने आपको कही आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर SCRT का जो डिलेट एप्लीकेशन के बारे में आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को पास पहुँचाइए जिन लोगों को SCRT का डिलेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं। वीडियो उनको देखने के बाद अगर पता चले ऐसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते तो क्या पता है उनको उनका चांस भी मिल जाए, उनका करियर भी मतलब सक्सेसफुल हो जाए। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।